रास्ते बीच में ये सूर्य भगवान का व्रत है, ये बहुत बड़ा पर्व है हम लोग के लिए। हम लोग का 4 दिन से पर्व चलता है। ये किसके लिए आज शुरू कर दिया है? ये व्रत जो पूजा होता है किसके लिए होता है? बच्चों के लिए, पति के लिए, किसके लिए? सब चीज के लिए है, बच्चों के लिए, पति के लिए, धन धन के लिए, घर परिवार के लिए, सब कुछ के लिए। आज आप कहाँ आए? हम ससैया घाट पे आए हैं पहला अर्घ देने। आज क्या अर्घ दिया है, उसमें क्या मांगना? यही कामना की हमारे परिवार को स्वस्थ, समृद्धि, बच्चों का योग सब करे भगवान। छठ पूजा है आज, छठ पूजा हम लोग करें, सूर्य भगवान का अर्घ दिया आज हम लोगों ने। पहला अर्घ था आज, कल फिर आएंगे यहाँ पे, कल फिर अर्घ। अच्छा, इसकी क्या मान्यता है छठ पूजा में? छठ मैया को क्या मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं, क्या मान्यता है? इसकी मान्यता है कि हम लोग अपने परिवार को सुखी संपन्न बनाने के लिए छठ पूजा करते हैं। कहते हैं बच्चों में छठ मैया, भाई बच्चों को और हाँ सबको पूरा सुखी संपन्न परिवार बनाने के लिए। कितने सालों से क्या पूजा कर रही है, आज काहे का पर्व है? छठ पर्व में से भी भगवान लड़का, धन, पुत्र सब दे। आज कितने सालों से पूजा कर रही है? ये बहुत साल हो गया। आपके कितने बच्चे परिवार में हैं? बहुत ज्यादा बच्चे हैं। हाथों में पाते हैं। आज यहाँ कहाँ आई है? गंगा जी किनारे काहे की पूजा? विष्णु भगवान, विष्णु भगवान की पूजा होती है। इसमें क्या कामना की जाती है विष्णु भगवान से? कामना सब जो मांगो सब मिलेगा। छठ मैया की आज पूजा की है, छठ मैया से क्या आशीर्वाद? छठ मैया से क्या आशीर्वाद मांगना चाहती है? लड़का मांगो, धन मांगो, पुत्र मांगो, छठ मैया पूरा करती है। सब पूरा करती है।